हमको समझना है बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल। तो बक कॉइल का काम है कि वोल्टेज को कम करना, बूस्ट कॉइल बढ़ा देना। अब बूस्ट कॉइल का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना। आप नाम से भी पकड़ सकते हैं बूस्ट कॉइल, बूस्ट मतलब ढकेलना, किसी भी चीज को ढकेलना। नॉर्मल कॉइल एज ए फ्यूज के लिए काम होता है। दोनों जो कॉइल है इसका काम एक ही है, इधर का कनेक्शन उधर लेकर ले जाना। हाँ, हालांकि सभी का काम वही है, लेकिन स्पेशली इसका काम यह है कि आपका इधर का कनेक्शन अगर आप एक तरफ से वोल्टेज ले रहे हो, दूसरा तरफ से सेम वोल्टेज आपको मिल जाए। हो सकता है कि उसके अंदर का कॉइल हो 0.1% वो खा सकता है वोल्टेज, हालांकि वो खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको हो सकता है, क्योंकि वो एक कंपोनेंट है, वो अपना कुछ तो वोल्टेज रखेगा हमारे। और नॉर्मल कॉइल है वो ज़्यादातर सिग्नल लाइन में होता है, सिग्नल लाइन अलग होता है, उसमें भी वोल्टेज हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसमें वोल्टेज नहीं होता, उसमें वोल्टेज हो सकता है, किसी किसी में वोल्टेज होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो हम इसीलिए हम दोनों में से एक बोल रहे हैं कि हो सकता है, मतलब है भी और नहीं भी है, तो दोनों का बीच का हम डिस्टेंस आपको बोल रहे हैं कि नॉर्मल कॉइल में आपका वोल्टेज भी आ सकता है, सिग्नल भी आ सकता है। सिग्नल को पोर्ट वर्ड में EN सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना, कोई डाटा सिग्नल बोलते हैं, बहुत तरह का सिग्नल है, वो आपको समझना हो। अब बक कॉइल है, ठीक है ना, बक कॉइल का काम ये है वोल्टेज को कम कर देना। बक कॉइल का काम ये है कि वोल्टेज को कम कर देना, एम्पियर को बढ़ा देना। अगर वहाँ पे बक कॉइल से आगे सपोज डेट आपका यहाँ पे बक कॉइल लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये 4 वोल्टेज आ रहा है, तो बक कॉइल का काम है कि ये आउटपुट 3.5 वोल्टेज भी निकाल सकता है, थ्री भी निकाल सकता है। वो आपका सिग्नल के हिसाब से एक हम एग्जांपल बोले हैं, ये इनका काम है कि वो अगर वो 4 वोल्टेज ले रहा है तो उसको अगला को कम वोल्टेज दे, लेकिन एम्पियर को वो बढ़ा देगा, ठीक है। ये काम है आपका बक कॉइल का। हालांकि दिखने में आपको सब सेम ही लगेगा, हालांकि बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल दिखने में सेम ही लगेगा, लेकिन अब ये आपको सेक्शन तो समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बक कॉइल है या बूस्ट कॉइल है या नहीं। तो इसका दो रीजन से पकड़ा जा सकता है। अगर आप उसको तोड़िएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, उसके अंदर पतला वायर होता है, किसी के अंदर मोटा वायर होता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बक कॉइल है और कौन बूस्ट कॉइल है, ठीक है। बक कॉइल का यही काम है आपका कि जो वोल्टेज इधर से आ रहा है बीच में, अगर सब ज़्यादातर ये सीरीज में लगा हुआ रहता है ना, आपका बूस्ट कॉइल जो है ना, बूस्ट कॉइल अगर मान लीजिए ये ज़्यादातर लाइट में रहता है, बूस्ट कॉइल जो है वो लाइट में रहता है। लाइट को अक्सर है कि 4 वोल्टेज से लेकर के वो 50 वोल्टेज तक का अपडेटेड फोन का हम बात कर रहे हैं, 4 वोल्टेज से लेकर के 50 वोल्टेज तक का वो ले सकता है। वो कितना लेगा वो डिपेंड करता है बूस्ट कॉइल के ऊपर। तो बूस्ट कॉइल का मतलब यही है, अगर वो 4 वोल्टेज आ रहा है बूस्ट कॉइल के अंदर, तो आउटपुट जो है बूस्ट वोल्टेज भी निकाल सकता है, 50 वोल्टेज भी निकाल सकता है। वो आपका डिपेंड करता है कि अगला को कितना वोल्टेज चाहिए। हमको समझना है बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल। तो बक कॉइल का काम है कि वोल्टेज को कम करना, बूस्ट कॉइल बढ़ा देना। बूस्ट कॉइल का काम है वोल्टेज, आप नाम से भी पकड़ सकते हैं बूस्ट कॉइल, बूस्ट मतलब ढकेलना, किसी भी चीज को ढके, आप नाम से भी पकड़ सकते हैं कि ये बूस्ट कॉइल है, ठीक है। अब बक कॉइल का काम है कि एम्पियर को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना, और इसका काम है कि वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पियर को कम करना। इसका उल्टा अपोजिट है, हाँ, इसका अपोजिट हो गया। अब आप पूछिएगा कि भैया एम्पियर क्या चीज है। एम्पियर एक गति को नापा गया है, गति मतलब स्पीड। अगर आप 4 वोल्टेज भी दे रहे हो ना,
अगर आप डीसी मशीन इस्तेमाल करोगे, अगर 4 वोल्टेज दे रहे हो, अगर आप एम्पियर बढ़ा दोगे ना तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, वोल्टेज वही रहेगा, गति स्पीड हो जाएगा, तो उससे शॉर्टिंग वगैरह निकालने में आसानी होता है। कोई भी फोन अगर आपके पास में शॉर्ट आ गया, अगर आपको मान लें कि VPS लाइन में अगर सब शॉर्ट है आपको पता चला, तो आप 4 वोल्टेज दीजिएगा, अगर आप एम्पियर कम कीजिएगा ना तो आपका शॉर्ट दिखाएगा लेकिन लेट से दिखाएगा, अगर आप एम्पियर बढ़ा दीजिएगा ना तो वो जल्दी दिखा देगा, मतलब वो सेकंड को कम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 20 का स्पीड में अगर जा रहे हैं, अगर हमको 1 किलोमीटर जाना, अगर 20 का स्पीड में जा रहे हैं तो हमको हो सकता है कि हमको 5 मिनट लगे, अगर हम वहीं पे 50 के स्पीड में जाएंगे तो हमको 2 मिनट का में पहुंच जाएंगे हम, तो मेरा वो 3 मिनट का गैपिंग जो है वो एम्पियर डिसाइड करता है कि आप कितना एम्पियर में दिए, ठीक है। तो नॉर्मल कॉइल, बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल आपको हम समझा दिए।